हमने अपने प्रोजेक्ट में शुरू में कुछ रिपोर्ट्स डिस्कस की थी, देखते हैं कौन सी और उनमें से कौन सी हम बना सकते हैं। तो वो RDLC रिपोर्ट्स की मदद से इंशाल्लाह ABC हेड में और ABC लॉगिन और रिपोर्ट्स में व्यू बुक लिस्ट ये वाला बनाते हैं। बुक्स पड़ी हुई है ना सारी, व्यू बुक लिस्ट की एक रिपोर्ट बना देते हैं। रिपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले एक नया फॉर्म चाहिए जिसमें रिपोर्ट दिखाई जाएगी। तो क्योंकि रिपोर्ट हमारा यूज़र इंटरफेस है तो ये इस लेयर पे ऐड होगी और यहाँ पर जाके राइट क्लिक करते हैं और ऐड न्यू विंडोज़ फॉर्म और इस फॉर्म का नाम रख देते हैं FRM रिपोर्ट लेआउट। मान गया। अब क्रिस्टल रिपोर्ट्स को दिखाने के लिए हमारे पास रिपोर्ट व्यूअर का कंट्रोल पहले से है। रिपोर्ट व्यूअर डबल क्लिक करेंगे, रिपोर्ट व्यूअर आ जाएगा हमारा फॉर्म के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, रिपोर्ट व्यूअर बड़ा है और फॉर्म छोटा है, तो इसको ठीक करने के लिए हम प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं और कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डॉक। डॉक को हम क्या कह देते हैं, फिल। अब ये फॉर्म में फिट हो गया, फॉर्म जितना बड़ा होगा ये भी उतना बड़ा होगा। तो उसके ऊपर एक और हम चाहते हैं कि फुल नज़र आए, तो विंडो स्टेट क्या कर देते हैं, मैक्सिमाइज। जैसे ये नज़र आएगा तो पूरी स्क्रीन पर नज़र आएगा। उसको चला के देखते हैं, यानी कोई मसला तो नहीं करता। तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में हमारा फॉर्म वन मेन फॉर्म है, तो फॉर्म वन में जाते हैं और रिपोर्ट्स के अंदर व्यू बुक लिस्ट के अंदर FRM रिपोर्ट व्यूवर RV इज इक्वल टू न्यू FRM RV.show। ओके, चला के देखते हैं जी ये सही चलता है कि नहीं चलता। एडमिन ABC लॉगिन और रिपोर्ट व्यू बुक लिस्ट, लो जी ठीक है। द सोर्स ऑफ द रिपोर्ट डेफिनेशन हैज़ नॉट बीन स्पेसिफाइड, कोई रिपोर्ट दी नहीं है रिपोर्ट अभी हमने। तो अब रिपोर्ट क्रिएट कर लेते हैं। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाते हैं और क्योंकि ये रिपोर्ट भी हमारा यूज़र इंटरफेस है तो ऐड न्यू आइटम और यहाँ पर रिपोर्टिंग के अंदर जाकर रिपोर्ट आ गया। तो रिपोर्ट RDLC है तो हम इसका नाम रख देते हैं RPT व्यू बॉक्स। रिपोर्ट बन गई, जैसे रिपोर्ट बनाएंगे वो विजिट दिखाएगा हाँ जी कौन सी रिपोर्ट है, ठीक है। तो ये डाटा सोर्सेज हैं, ऐड करते हैं एंड डाटा सेट। कौन सा डाटा सेट, डेटाबेस से लेना है, सर्विस से लेना है, हम कहते हैं ऑब्जेक्ट से लेना। नेक्स्ट, कहाँ से, बिजनेस ऑब्जेक्ट। बिजनेस ऑब्जेक्ट से कौन सा लेना है, बस फर्निश। सारे फील्ड आ गए, ऑथर कोड पब्लिशर टाइटल। डेटा सेट का नाम रख देते हैं DS अवेलेबल डाटा सेट्स। ओके ओके, लो जी ठीक है। अब यहाँ पर हम राइट क्लिक करते हैं, इंसर्ट मैट्रिक्स, ठीक है, कहता है क्या कोड दिखा दो और ऑथर दिखा दो या पहले टाइटल दिखा दो। मैट्रिक्स में और कॉलम ऐड करना है, राइट इंसर्ट कॉलम राइट, इंसर्ट कॉलम राइट, यहाँ गए और यहाँ पर जाकर हम पब्लिशर और यहाँ पर ऑथर, टाइटल और फिर यहाँ पर हम इंसर्ट कॉलम। इसको दे देते हैं ऑथर
उठाते हैं जी सारे का सारा, और बड़ा कर देते हैं इसको। कोड को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, आईडी को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ऑथर पब्लिशर तकरीबन ठीक ठीक हो गया। टाइटल लगाना इंसर्ट पेज हेडर, हेडर आ गया, हेडर में हम इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स का नाम में टाइप कर क्या बुक्स लिस्ट या लिस्ट ऑफ बुक्स। तो वो टेक्स्ट बॉक्स है बोल्ड कर देते हैं और फॉन्ट चेंज कर देते हैं, वर्ड आना इसको बड़ा कर देते हैं और ये सेंड कर, ठीक है। और एक और चीज़ भी ऐड कर लेते हैं, इंसर्ट लाइन, उस लाइन को हम यहाँ पर कर प्रॉपर्टीज में जाते हैं और लाइन विड्थ वन पॉइंट है, मैं कह देता हूँ ज़रा सेहतमंद हो जाए, डिलीट फोर मटेरियल, ओके। और भी कुछ फील्ड्स हो सकते हैं, इंसर्ट बिल्ट इन फील्ड्स, एग्जीक्यूशन टाइम, पेज नंबर आते हैं, पेज नंबर डाल दें, ठीक है। टोटल पेजेस उठा के यहाँ पे एक और टेक्स्ट बॉक्स डाल देते हैं इंसर्ट, और इसमें टाइप कर देते हैं ऑफ, क्या मतलब पेज, पेज ऑफ टोटल पेजेस, ठीक होगा, क्योंकि ऑफ आया है, ये लेफ्ट अलाइन कर देते हैं टोटल पेजेस और ये राइट, ठीक हो गया। अब ये रिपोर्ट सेट करनी है किसको, रिपोर्ट व्यूवर, एफ आर एम रिपोर्ट, ठीक हो गया। और इसमें क्या करेंगे, दिस डॉट रिपोर्ट व्यूवर वन डॉट रिपोर्ट लोकल रिपोर्ट डॉट लोकल रिपोर्ट तीन, देख लेते हैं कैसे सेट करते हैं। एज ऑलवेज गूगल इज हियर टू हेल्प अस, डोंट शाई टू यूज गूगल, हाउ टू सेट RDLC रिपोर्ट पाथ इन सोशल Stack Overflow, you know, report path.
क्योंकि उसमें हमने ऑब्जेक्ट सेट किया था, तो हमें यहाँ पर डायल के अंदर एक नया डाटा सेट क्रिएट करना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ बुक्स और गेट बुक्स, और लिस्ट ऑफ बुक्स दैट इज इक्वल टू न्यू लिस्ट ऑफ टैग का, ये वाला सारा कोड यूज हो जाएगा एक्सेप्ट कि हमने एग्जीक्यूट रीडर कॉल करना पड़ेगा। यहाँ हम करेंगे एसक्यूएल डेटा रीडर डी आर इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू सी एल डी डॉट एग्जीक्यूट रीडर, वाइल dr dot read temp dot add new books code is equal to convert dot to int 32 dr dot उधर कोड ही है ना, dot post title is equal to dr dot title dot post, author is equal to dr dot author dot post, और पब्लिशर इज इक्वल टू डी आर ये ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हुआ है और कंस्ट्रक्टर के बगैर हमने इनिशियलाइज कर दिया। कंस्ट्रक्टर की ये ब्रैकेट लगानी पड़ती है, अगर ब्रैकेट के बजाय कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे तो वो कहेगा प्रॉपर्टीज की वैल्यू सेट कर, तो डायरेक्ट सेट किया और वो उसमें ऐड हो गई, और यहाँ पर टाइम क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है, ठीक हो गया, तो कन्फ्यूजन है। तो अब हम बुक बी एल एल पे चले जाते हैं और बुक्स बी एल एल के अंदर कहते हैं गेट बुक्स दो तरह के हैं, एम्बिगुअस हो गया ना, तो नाम चेंज कर देते हैं। बुक्स डायल के अंदर जाकर हम इसको गेट बुक कर देते, और बुक्स बी एल एल में अब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कहते हैं पब्लिक लिस्ट ऑफ बुक्स गेट बुक, ओके रिटर्न न्यू बुक्स डाल डॉट गेट, गेट बुक रिटर्न कर रहे हैं। और फिर रिपोर्ट व्यूवर के अंदर जाएंगे और ये हमारा कोड है सारे का सारा, तो यहाँ पर हम डिलीट करके गेट बुक कर देते हैं और टेबल्स ऑफ की ज़रूरत नहीं रहेगी, वो अब यहाँ पर कर देंगे लिस्ट ऑफ बुक्स, ठीक है। अब ये आ गई, ये यहाँ पर सेट हो गया, कॉल हो गया और रिपोर्ट सोर्स पहले सेट कर लेते हैं और अब इसको कर, एडमिन ए बी सी रिपोर्ट्स व्यू बुकिंग्स, आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन, कोड वहाँ पे है तो कॉलम बुक, बुक टाइटल बुक ऑथर बुक पब्लिशर,
यहाँ पर हम लगाएंगे बुक कोड और बुक टाइटल और बुक ऑथर और बुक पब्लिशर्स। ठीक है, चलाते हैं वर्किंग। ओके, सो फाइनली वी हैव द लिस्ट ऑफ बुक्स हियर। Congratulations to all of you. You learned how to use RDLC reports in C#. तो ये हमारा कोड है। कोड का रिव्यू मैं आपको एक दफ़ा दे देता हूँ कि कैसे काम हुआ है। सबसे पहले हम रिपोर्ट सोर्स में सेट कर देंगे वो लिस्ट ऑफ बुक्स जो हमने गेट की है डैल से, उसको क्रिएट किया था। फिर इसका नाम वही होना ज़रूरी है जो रिपोर्ट क्रिएट करते हुए हमने डाटा सेट का नाम रखा था, ये वही नाम है। फिर डाटा सोर्सेज को क्लियर किया और नई डाटा सोर्स में रिपोर्ट डाटा सोर्स ऐड की है। और फिर लोकल रिपोर्ट में एम्बेडेड रिपोर्ट का क्या मतलब है कि ये रिपोर्ट प्रोजेक्ट के अंदर ही है, सेटअप के साथ इंस्टॉल होगी, अलग से किसी फोल्डर में नहीं पड़ेगी, तो ये ज़्यादा सिक्योर होती है, विद इन द असेंबली जाती है। तो इसलिए हमने इसका फुली क्वालिफाइड नेम दे दिया, library.vnui प्रोजेक्ट का नाम हो गया। उसमें RPT व्यू बुक्स के नाम से और RDLC इसके स्ट्रक्चर हैं। रिफ्रेश रिपोर्ट किया तो ये काम करने लग गई है। तो एक दफ़ा फिर इसको चला के देख लेते हैं और फिर हम आज की क्लास ख़त्म करते हैं। एडमिन ABC रिपोर्ट्स व्यू बुक्स लिस्ट ऑफ बुक्स, यहाँ पेज नंबर आर के बजाय नेम उठा दिया था, तो अगर इसको पेज नंबर करेंगे तो ये भी ठीक हो जाएगा। तो इसको ठीक करने के लिए हम रिपोर्ट के अंदर जाते हैं और वो रिपोर्ट हमारी ये रिपोर्ट है और पेज नेम आया हुआ है यहाँ पर, तो हम पेज नेम को डिलीट कर देते हैं और बिल्टिंग फील्ड्स में से पेज नंबर ये रहा, इसको उठाते हैं, उठा के यहाँ ले आते हैं। उठाने के बाद इसको अलाइन कर देते हैं ऑफ के साथ, इसको लेफ्ट राइट लाइन भी कर देते हैं और अब इसको चलाते हैं तो हमें ये भी नज़र आता है। ABC लॉग इन रिपोर्ट व्यू बुक्स लिस्ट और ये हमारी वन ऑफ वन नज़र आ रहा है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप टू सी यू टुमारो इंशाल्लाह, सेम टाइम सेम चैनल। अज़ीज़।